आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आज हम आपको बात बता देते हैं भिवंडी शहर के कौन गाँव की। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अगर आपका कोई गुमी हुई चीज़ या आपका कोई गुमा हुआ इंसान या आपकी कोई भी वस्तु हो, अगर वो आपको दोबारा मिल जाए तो आपकी खुशी का इंतहा नहीं रहती है। जी बिल्कुल सही बात सुना आपने कि आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहती है। ऐसे ही भिवंडी के 52 लोगों की आज खुशी की इंतहा नहीं है। इन 52 लोगों के जो मोबाइल्स थे वो कुछ रोज़ पहले, कुछ महीने पहले खो गए थे। किसी ने चुरा ले गया था या किसी ने मोबाइल मार ले गया था और ये मोबाइल जो है घूमते घूमते पूरे देश में जा फैले थे। लेकिन कोमगांव पुलिस की जो मेहनत थी वो रंग लाई। इन्होंने 3 महीने तक मेहनत करके, कशमकश करके इन तमाम के तमाम मोबाइलों को ढूंढ निकाला और आज के रोज़ इन्होंने तमाम के तमाम 52 लोगों को बुलाकर अपने कोमगांव पुलिस स्टेशन में उनके मोबाइल उनको वापस किए। जब उनके मोबाइल वापस किए जा रहे हैं तो वाकई में इनकी खुशी का इंतहा नहीं था, क्योंकि गुमी हुई चीज़ को अक्सर लोग जो है भूल जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि शायद अब ये हमें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मेहनत का पैसा जो है हमेशा रंग लाता है और आज इनके मेहनत के पैसे ने पैसा रंग लाया और इन्हें इनका मोबाइल वापस मिला है। तो अगर आप भी अगर कोई चोरी का मोबाइल ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी चोरी का मोबाइल ना ख़रीदें, क्योंकि इसके ख़रीदने से आप तो नुकसान में आएंगे ही, लेकिन साथ में आपके घर वाले भी इसके नुकसान में आ सकते हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं कोमगांव पुलिस की ओर, जहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री पिंगले, कोमगांव पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक श्री पिंगले साहब की निगरानी में उनकी टीम ने और इस शहर के डीसीपी योगेश चौहान के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इन्होंने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। आज कोमगांव पुलिस की वाहवाही जो है पूरे शहर में हो रही है, पूरे भिवंडी शहर में हो रही है, और किस तरीके से भिवंडी शहर के लोगों को उन्होंने उनके मोबाइल को रिटर्न करवाया है। आइए चलते हैं उसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं अपने सहयोगी खान फखरे आलम के साथ सुल्तान कुरैशी।